Good morning, student. Welcome to TSN School. Children, today we will complete our alphabet, capital and small letter. Okay, बच्चों आज हम अपने cursive letter जो चल रहे हैं capital और small, उन्हें आज हम complete कर देंगे. Okay, आज हमारे alphabet complete होते हैं, ये workbook का portion complete होगा. Fine. Okay, आज यहाँ की date लिखेंगे. आज की यहाँ पे अपनी date लिखिए. आज की डेट ओके 16. नेक्स्ट बच्चों चलिए फर्स्ट लेटर हमारा होता है कैपिटल यू. ओके फर्स्ट लेटर कैपिटल यू यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ऊपर ले गए फिर नीचे लेके आए ब्लू लाइन पे टच किया फिर ऊपर ले गए रेड लाइन पे टच किया वापस नीचे लेके घुमा के लाया और थोड़ा सा टर्न कर दिया. ओके इस तरह से हम बना रहे हैं कैपिटल कर्सिव यू. पेंसिल एक बार भी नहीं उठेगी बच्चों, आपको एक ही बार में इसको कंप्लीट करना है. इस तरह से एक साथ एक ही बार में इसे हम कंप्लीट करेंगे. फाइन कैपिटल यू. बच्चों स्मॉल यू सेम ऐसे ही लिखेंगे, बस ये छोटा बनता है टू लाइंस के बीच में. ओके यहाँ से स्टार्ट किया इस तरह से, ये टू लाइंस में बनता है, ये स्मॉल लेटर बन रहा है स्मॉल यू. यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर यूटेंसिल्स. ओके नेक्स्ट है कैपिटल वी. कैपिटल बी यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर फिर नीचे लेके आए ब्लू टच किया और इसको थोड़ा सा पास में बना के इस तरह से टर्न करते हैं. यू की तरह बनता है बच्चों, लेकिन यू को हम थोड़ा सा गोल घुमाते हैं नीचे से और दोनों में गैप रखते हैं बीच में और इस थोड़ा कम गैप होता है. ओके यहाँ से स्टार्ट किया नीचे ले गए थोड़ा पास में से फिर ऊपर ले गए और ऊपर ले जाके टर्न करते हैं इसको, इसको ऊपर से टर्न करते हैं और यू को नीचे से. फाइन वी, वी फॉर वैन, V for when, capital V and V for vulture. Next small V, same इसी तरह से डॉट से स्टार्ट किया ऊपर ले गए नीचे लेके आए फिर ऊपर ले गए और इस तरह से टू स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमारा small V बन जाता है. small V, V for when and V for vulture. नेक्स्ट W, कैपिटल W यहाँ से स्टार्ट किया नीचे लाए फिर ऊपर ले गए थोड़ा सा ब्लू लाइन से ऊपर है ना फिर नीचे लाए और फिर हमने ऊपर रेड लाइन पर ले जाके टर्न कर दिया. ओके ये बनता है कैपिटल कर्सिव W, कैपिटल W. W फॉर वॉच, W फॉर वूमेन. W फॉर वॉच इन W फॉर वूमेन. स्मॉल W यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह से घुमा के और ऊपर ले जाके टर्न कर देंगे, ये बन गया स्मॉल W. W फॉर वॉच, W फॉर वूमेन. ओके ये बना हमारा स्मॉल W. कैपिटल X यहाँ से स्टार्ट किया जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक बार उल्टा सी ठीक है दूसरी बार सीधा सी इस तरह से ऊपर ले जाके टर्न करेंगे और दोनों बीच में जुड़ेंगे. ओके दोनों बीच में से जॉइंट होते हैं इस तरह से. फिर से देखिए यहाँ से स्टार्ट किया एक स्लांटिंग लाइन ऊपर ले गए उल्टा घुमा के उल्टा सी बनाया इस तरह से है ना, उल्टा सी जो लिखते हैं. फिर उसके बाद सेकंड सीधा सी बनाएंगे और ऊपर ले जाके यहाँ टर्न कर देंगे ऊपर रेड लाइन पर टच करते हैं. दोनों साइड लाइन्स बड़ी ड्रॉ करनी होती है हमें है ना, इस तरह से. कैपिटल एक्स, X for Xmas tree, X for Xmas tree. अब नेक्स्ट स्मॉल X सेम ऐसे ही बनेगा बच्चों, बस ये टू लाइन में बनता है छोटा बनता है. कैपिटल X थ्री लाइन्स में, कैपिटल लेटर बच्चों थ्री लाइन्स में बन रहे हैं और स्मॉल लेटर टू लाइन्स में. ओके बिल्कुल इसी की तरह बनेगा, एक बार उल्टा सी और एक बार सीधा सी, पर ये टू लाइन्स के बीच में बनता है. X small X, X for Xmas tree and X for X-ray. Fine. अब या Y, capital Y बच्चों four lines में, पूरा ऊपर red line से लेके नीचे red line तक four lines में ये बनता है ठीक है ना. capital Y देखिए ऊपर ले गए फिर U की तरह draw किया फिर बिल्कुल नीचे red line पे touch किया और turn करके इस तरह से ऊपर ले गए ठीक है. तो ये बनता है capital Y. कैपिटल वाई और कैपिटल जेड बच्चों ये फोर लाइंस के अंदर बनते हैं. ओके अल्फ़ाबेट में कुछ कुछ लेटर ऐसे होते हैं बच्चों जो फोर लाइंस में कंप्लीट होते हैं, जैसे जे वाई जेड इस तरह से, और
बाकी मोस्टली जो लेटर होते हैं बच्चों वो थ्री लाइन्स में ही कंप्लीट होते हैं कैपिटल, है ना। और स्मॉल मोस्टली बच्चों थ्री लाइन्स में टू लाइन्स में कंप्लीट होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो थ्री लाइन्स में कंप्लीट होते हैं। ओके, स्मॉल लेटर जैसे वाई जेड है ना, जे आई, वो ये कुछ जे, ये कुछ होते हैं स्मॉल लेटर जो थ्री लाइन्स में कंप्लीट होते हैं, बाकी मोस्टली टू लाइन्स में कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए स्मॉल वाई, ये थ्री लाइन्स में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट किया, नीचे ले जाके टर्न किया, ऐसे ही कैपिटल जेड, ये फोर लाइन्स में, देखो पेंसिल बिल्कुल नहीं उठा रहे हम, एक ही बार में लिख रहे हैं इसको, इस तरह से टर्न करा, फिर टर्न नीचे लेके आए और फिर मोड़ के इस तरह से कर दिया, ठीक है, ये कैपिटल कर्सिव जेड जेड फोर लाइन्स में। अब स्मॉल जेड थ्री लाइन्स में, है ना बच्चों, जबकि स्मॉल लेटर मोस्टली टू लाइन्स में होते हैं, लेकिन वाई जेड एन जे और जी, ये कुछ लेटर्स होते हैं बच्चों जो थ्री लाइन्स में भी लिखे जाते हैं। ओके, ये हमारा यहाँ तक का कंप्लीट हो गया, ये पेज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पेज में आपको दिया है कि ट्रेस एंड राइट द लेटर्स। अब आपको पूरी कंप्लीट अल्फ़ाबेट ए टू जेड तक अल्फ़ाबेट कंप्लीट करनी है, इसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों आपको लिखने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, ये भी हमारा रिविज़न है, प्रैक्टिस वर्क है, यहाँ से स्टार्ट किया, इस तरह से ऊपर ले गए वापस से, कैपिटल ए, ठीक है, एंड स्मॉल अ, नेक्स्ट कैपिटल बी, स्मॉल बी, बोलते जाएंगे बच्चों, सी, स्मॉल सी, कैपिटल और स्मॉल दोनों किसी से हम कर रहे हैं, डी डी, इस तरह से डॉट्स पे आपको ट्रेस करना है बच्चों, आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा अल्फाबेट। ओके, और कौन से कर्सिव लेटर, ये क्या कर रहे हैं हम, कर्सिव लेटर, इस वर्कबुक में हमने बच्चों पूरी वर्क कर्सिव लेटर सीखा है ना, कैपिटल और स्मॉल, जी, एक तो बच्चों एफ बनाते समय ध्यान रखना, थोड़ा सा एफ और जी, इनको आप अच्छे से केयरफुली ड्रॉ करेंगे तो आपको आ जाएगा प्रैक्टिस में, स्मॉल जी, कैपिटल एच, स्मॉल एच, कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल जे, स्मॉल जे, कैपिटल के, स्मॉल के, इस तरह से ड्रॉ होता है ना, कैपिटल एल, ये पूरा रिवीजन चल रहा है, आपको फिर से सारी चीज़ें लर्न हो जाएगी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, कैपिटल एन, स्मॉल एन, कैपिटल ओ, इस तरह से सर्कल बनाएंगे, ऊपर से टर्न करना, ओके, स्मॉल ओ, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल क्यू, इस तरह से स्मॉल क्यू, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल एस, कैपिटल एस, स्मॉल एस, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल यू, सॉरी बिल्कुल डॉट्स पे आना चाहिए बच्चों, स्मॉल यू, कैपिटल वी, स्मॉल वी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एंड कैपिटल जेड, स्मॉल जेड। ओके, ये हमारे कर्सिव लेटर कैपिटल एंड स्मॉल, ये पूरे हमने कंप्लीट किए बच्चों, ठीक है, ये टू पेज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट बच्चों लास्ट पेज है, इसमें आपको राइट द लेटर्स इन कर्सिव बोथ कैपिटल एंड स्मॉल, इसमें भी आपको सेम बच्चों ये कैपिटल और स्मॉल लेटर, ठीक है, इस तरह से ये पूरी अल्फाबेट ए टू जेड, ये आपको इस लास्ट वाले पेज में आपको खुद को करना है। ओके, ये आप खुद लिखेंगे,
ताकि आपका रिवीजन आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा कर्सिव लेटर कैसे लिखते हैं। पहले आप कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल ए फिर स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ओके। इस तरह से आपको ये वाला ये पेज जो है इस तरह से इसी में से देख के ये पूरा ए टू जेड ये अल्फ़ाबेट आपको यहाँ पीछे लिखना है, ओके। इस पेज का आप देख के आप इसमें पीछे कर सकते हैं। तो ये लास्ट वाला पेज आप खुद करेंगे बच्चों, ये आपका है, प्रैक्टिस वर्क हो जाएगा। और आज आपकी ये इंग्लिश की वर्कबुक कंप्लीट होती है बच्चों, ये इंग्लिश की कर्सिव लेटर वर्कबुक आपकी पूरी कंप्लीट होती है, ओके। आप भी इसकी प्रैक्टिस करना घर पे अच्छे से बच्चों, अपनी वर्कबुक में, नोटबुक में। फाइन, थैंक यू।